उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के जरिए फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही नई फिल्म नीति में क्षेत्रीय फिल्मों को शूटिंग पर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की पहली जोनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट की शूटिंग भी की गई थी और अब ये विकास नगर के सिनेमा घर में दर्शकों के लिए प्रदर्शित भी होगी। फिल्म मेरे गांव की बाट सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जिसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस फिल्म में गांवों से हो रहे पलायन के दर्द और एकल परिवार की कहानी के साथ यहां की लोक संस्कृति के साथ ही जजोड़ा प्रथा को भी बड़े ही बेहतरीन ढंग से दर्शाया गया है। जोनसार बाबर की लोक परंपराओं को उजागर करती इस पिक्चर फिल्म के प्रदर्शन के दूसरे दिन तक सिनेमा घर के सारे शो हाउसफुल रहे। फिल्म को देखने पहुंचे दर्शक जहां एक और फिल्म को देखकर भाव विभोर हुए तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बड़े पर्दे पर अपने क्षेत्र और लोक कलाकारों को देखकर फिल्म के निर्माता निर्देशकों का आभार व्यक्त किया। दर्शकों ने कहा कि ये फिल्म उत्तराखंडी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है और आने वाले समय में ये फिल्म गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा में बनी फीचर फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की खास रिपोर्ट। संदेश इस मूवी का साफ है कि इसमें हम लोगों ने जौनसारियत दिखाने की कोशिश की है और ये मुझे लगता है कि जो जौनसार बाबर के जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो महिलाओं का सम्मान है, यहाँ का जो भाईचारा है, यहाँ का जो सामूहिक परिवार की जो प्रथा है, यहाँ पे जो जुजोड़ा सिस्टम है, यहाँ पे जो मासूम महाराज पे जो आस्था है, यहाँ पे जो नए बच्चे हैं जो पलायन कर रहे हैं, रिवर्स पलायन का इसमें संदेश है। मुझे लगता है कि जब से ये मूवी रिलीज हुई है 3 दिन हो गए आज, सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं और जो हॉल से बाहर निकल रहा है उनकी आंखें नम है। तो जब आप मूवी हॉल में जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा शायद दर्शक नहीं जिसको ये मूवी पसंद नहीं आ रही है। तो मेरा तो अनुरोध है सभी जौनसार वासियों से, सभी उत्तराखंड वासियों से कि जो संदेश हमने इस मूवी के माध्यम से दिया है वो घर घर तक पहुंचना चाहिए और बच्चे बच्चे तक और नौजवान तक और बुजुर्ग तक ये संदेश जाना चाहिए। जौनसार बाबर की जो पहली फीचर फिल्म बनी है मेरे गांव की बाट, इसमें मेरा रोल है विकास नगर की भाभी, जो पलायन की और भाभी थी विकास नगर से, वो भी कुछ भी फंक्शन है गांव में तो वो गांव आई है और जो पलायन हो रहा है वो भी दिखाया गया है इसमें थोड़ा, और कल्चर दिखाया गया जौनसार बाबर का, पारंपरिक है जो भी है, पारिवारिक है। जौनसार की जो शादी है जो जोड़ा वो दिखाया गया है। आज की डेट में तो सभी लोग बारात वाला सिस्टम रखते हैं लेकिन जो हमारे जौनसार बाबर में शादी होती है उसे जोड़ा कहते हैं, वो दिखाया गया है इसमें। जौनसार बाबर की फीचर फिल्म 5 तारीख को रिलीज हुई और हमने पहला ही शो देखा और जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं बढ़ के ये पिक्चर इतनी अच्छी है कि पिक्चर देखने वाले जो लोग आ रखे हैं वो कई बार जो है अपने आप जो है अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे और आंखों से जो है आंसू झलक रहे हैं। ये पिक्चर ने जो है हमारे जो समाज में 19-20 जो विकृति आई थी उस विकृतियों को दूर करने का काम कर रही है और एक बहुत ही अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है डायरेक्टर, और मैं श्रीमान के एस चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें पहल करी और ये सोच रखी और आज ये पिक्चर बनकर सफल हुई और मैं बहुत ही गदगद हूँ ये पिक्चर देख के। सर, मेरे गांव की बाट हमारे जौनसार बाबर की सबसे पहली फीचर फिल्म है और ये बेसिकली एक तो फैमिली ड्रामा है, फैमिली में क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे जो पहाड़ में क्या होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है और नफरत भी हो जाती है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को लेकर ये फिल्म बनी है और इस फिल्म में बहुत सारा प्यार है, हास्य भी है और इमोशन है, लोग रोए हैं ये फिल्म देख के। तो आज विकास नगर में ये उपासना हॉल में इसका प्रीमियर हुआ है तो हम बहुत ही खुश हैं, सारे जौनसार बाबर के लोगों का सपना जो है वो फाइनली पूरा हुआ। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, एक्चुअली जो ये मेरे गांव की बाट मूवी है इसमें हमारे जौनसार बाबर की संस्कृति को दर्शाया गया है और जैसे लोग आजकल पलायन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो वो लोग अपने रीति रिवाजों को और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो इस मूवी के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि मतलब जैसे आप बाहर जा रहे हो तो मतलब जो अपने रीति रिवाज है, अपनी पुरानी संस्कृति है उसको भूले ना, तो उसे याद कराने के लिए ये मूवी बनाई गई है।